हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसवानी एकेडमी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनेशन लिख दी है, डिफिनेशन आप लोग समझ जाएंगे पढ़ के, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे आप देखिए किसी शॉप के ऑनर हैं, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया आप सेलर हैं, आप कहीं सामान लाते हैं और फिर अपने शॉप पे रख के उस प्रोडक्ट को कस्टमर को देते हैं, ठीक है। तो आप एक प्रकार से सेलर हो गए। जो कस्टमर आपकी शॉप पे आता है उसे हम लोग परचेजर बोलेंगे, वो मतलब पेमेंट करके आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, खरीदेगा, ठीक है। बायर भी उसे हम लोग बोलते हैं। तो यही होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि सेलर एंड परचेजर के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है पेमेंट के द्वारा और प्रोडक्ट के द्वारा, उसे हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपने अपना प्रोडक्ट दिया, कब दिया? जब आपको परचेजर ने पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपने उसको अपना प्रोडक्ट दे दिया, अब आप दोनों के बीच में एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। यही होता है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यही मैंने यहां पे बताया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर एंड परचेजर के बीच में, जिसमें रिक्वायर होता है पेमेंट। जब पेमेंट कर देगा परचेजर सेलर को, तो सेलर प्रोवाइड कराएगा परचेजर को कौन कौन सी चीजें जो उसके शॉप में होंगी, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, सप्लाईज, सर्विसेज, जो भी इसके बिजनेस में है उन सब चीजों को वो प्रोवाइड कराएगा परचेजर को, ठीक है। तो ये होती है सिंपल सी डिफिनेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में आप लोग बताएंगे ईबुक्स। इसके अंदर आप लोग क्या बताएंगे कि Amazon एक पहली कंपनी थी जिसने ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया और इस प्लेटफॉर्म में इसने बुक्स को अवेलेबल कराया, जिससे लोग परचेज करके बुक्स को आराम से पढ़ सकते थे, ठीक है। जिस भी डिवाइस को वो यूज कर रहे हैं उसमें, उस डिवाइस में ये बुक्स ऑनलाइन पढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। यहां पे Amazon जो है सेलर का काम कर रहा है और जो भी लोग इस बुक्स को परचेज कर रहे हैं वो परचेजर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से यहां पे परचेजर जो है, जो कस्टमर है, वो Amazon को पेमेंट कर रहा है, फिर उनके लिए Amazon अपने प्लेटफॉर्म पे बुक्स को अवेलेबल करा रहा है, वही अपने प्रोडक्ट को दे रहा है और वो उसको रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। आप लोग ये एग्जांपल बता के आएंगे एग्जाम में। अब करेक्टरिस्टिक एंड मैं टाइप्स बताऊंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। पहली आती है करेक्टरिस्टिक स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी में आप लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम में कि एक ऐसा बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है जो मार्केट में बहुत जल्दी ग्रो करे, ठीक है, ये आपको बताना है स्केलेबिलिटी में। दूसरी करेक्टरिस्टिक आती है पैसन। पैसन में आप लोग क्या बताएंगे, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, उसको अपने बिजनेस में वही प्रोडक्ट लाने होंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब वही सर्विसेज स्टार्ट करनी होंगी जिसमें उसका इंटरेस्ट है। देखो जैसे आप लोग हैं, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस में वही प्रोडक्ट लाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को मैं सेल कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, ठीक है। तो वही पैसन आपको बताना है दूसरी करेक्टरिस्टिक में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उन्हीं प्रोडक्ट को लाइए और उन्हें सेल करिए, बेचिए लोगों को, ठीक है। ये हो गया दूसरा करेक्टरिस्टिक। थर्ड आता है लो स्टार्टअप कॉस्ट। इस करेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है कि आप अपना मनी लगाइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस में, ठीक है, फिर वो बिजनेस आपका धीरे धीरे ग्रो होएगा आगे चल के फ्यूचर में। ये होता है थर्ड करेक्टरिस्टिक। फोर्थ आता है स्पेसिफिक मार्केट। सबसे मेन आप यही समझिए करेक्टरिस्टिक होती है कि आपको वही जगह बिजनेस को स्टार्ट करना हो जहां पे आपको लगे कि आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऐसी मार्केट में आपको अपना बिजनेस को लाना है जहां पे लगे कि आपका बिजनेस जो है मोर इफिशियंटली ग्रो कर सके, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो कर सके। तो वहां पे आपको अपने बिजनेस को उसी मार्केट में लाना है, ठीक है। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक आती है मेकिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, ठीक है। ये अच्छा एक करेक्टरिस्टिक है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे कि देखिए जो भी कस्टमर आपके बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, उस कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब जैसे आप व्यवहार कैसे बना के रखते हैं कस्टमर के साथ। मतलब एक बार आया आपके कस्टमर दुकान पे, शॉप पे, तो आपने उसे प्रोडक्ट दिया, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं कि मतलब वो दोबारा आएगा आपकी दुकान पे कि नहीं, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छा बना के रखना है कि आपके साथ वो हमेशा जुड़ा रहे, ठीक है। एक बार प्रोडक्ट आपका ले गया आपके बिजनेस का, तो वो दोबारा भी आए प्रोडक्ट लेने और चार लोगों को अलग से बताए कि हाँ ये भैया अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, इनके यहाँ जाइए, ठीक है। तो ये होता है इसकी करेक्टरिस्टिक फिफ्थ वाले की, ठीक है, मेकिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। अब देखिए टाइप्स में आपको बताना है, टाइप्स तो नॉर्मली आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, ये हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डील्स, ये हो गई सेकंड। थर्ड आपको बताना है मार्केटिंग, और फोर्थ बताना है लाइसेंसिंग, ठीक है। ये होती हैं टाइप्स, होती हैं कुछ टाइप्स हैं जो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। एग्जाम के लिए ये टाइप्स आपको बताने जरूरी हैं, क्योंकि टाइप्स आप बताएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने टाइप भी मेंशन किया, एग्जाम्पल भी मेंशन किया, करेक्टरिस्टिक भी मेंशन करी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू।